Good evening. Good evening, ma'am. हाँ. Hi. Balaghat Mechanical Engineering. Yes, sir. You did Mechanical Engineering in 2016, sir. 16, 17 years. You are working somewhere? No, sir. तो क्या कर रहा हूँ ये 7 साल से? सर तैयारी चल रही सर. हॉकी खेलते हो? यस सर. चेस भी? यस सर. वेरी गुड. हाउ मेनी नक्सल इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश? सर मेजरली 3 सर, बालाघाट, मंडला एंड इंडोरी सर. एंड द मोस्ट वर्स सर इज बालाघाट सर. बालाघाट. यस सर. तो पूरा जिले में है क्या या कुछ जिले, कुछ तहसील कंसंट्रेटेड है? सर कुछ तहसील कंसंट्रेटेड है सर. मेनली सर बैयर, लांजी एंड बैयर, लांजी एंड वन इज सर किरनापुर सर. ओके. आपका आंवला झरी है क्या? यस सर. ये बालाघाट तहसील में ही है? हाँ. तहसील भी बालाघाट है? बालाघाट ही तहसील सर. अच्छा. आपके गांव में कभी कोई नक्सल आना कभी पाया गया? नहीं सर, ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ सर. अच्छा. लेकिन में तो कई बार देखा गया आपके पति के फ्रेंड्स का किसी का संवाद होना या किसी का इंटरेक्ट होना? नहीं या सर. वो लोग गांव आके कोई बैठक लिया है तो वो कभी सुना या फ्रेंड्स के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है सर. मैं इतना इन्फेक्टेड है तो वो लोग रहता होंगे? हाँ सर, कुछ कुछ इंसिडेंट पता चलते हैं कि जैसे मुठभेड़ हो गई है इस काइंड ऑफ, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा पर्सनली नहीं. बट गांव वालों से मुठभेड़ करता है या लोग गांव वालों से मिल के उनको मदद करने के लिए कोशिश करता है? नहीं सर, पुलिस वालों से मुठभेड़ हो जाती है. हॉक फोर्स वाइज उनकी एक्शन कैसा होता है गांव में? क्यों आता है वो लोग? प्रोटेक्शन के लिए आता है या आके कुछ वेल कुछ का कुछ मदद करता है विलेजर्स? सर इसकी मुझे कुछ जानकारी नहीं सर, क्योंकि जितना मेरे गाँव में तो कभी उनका आना नहीं हो पाया सर. और बालाघाट जिले के बारे में बताइए. हाँ सर. सर बालाघाट मध्य प्रदेश का एक बहुत सुंदर जिला है सर. इसे मैग्नीज नगर के नाम से भी जाना जाता है सर. सर ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है सर. यहाँ का सेक्स रेशियो प्रदेश में सर्वाधिक है सर. सर ये मैग्नीज कॉपर सेक्स रेशियो सर 1.1021 फीमेल्स पर 1000 मेल सर. सर और यह सर मैग्नीज कॉपर राइस और बैम्बू प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है सर. सर ये कान्हा नेशनल पार्क का कुछ एरिया यहाँ पर आता है सर. और लांजी का किला जो है सर ये टूरिस्ट प्लेस है सर. कौन सा धान में कौन सा वैरायटी है वहाँ? सर धान में सर चिन्नौर राइस जो है सर, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है सर, यहाँ का फेमस है सर. और किसका फेमस बताया हमने सर? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सर. चावल बताया? हाँ सर. चिन्नौर राइस सर. बम्बू प्रोडक्शन बताया था सर. बम्बू प्रोडक्शन. हाँ सर. कितना सर सर्वाधिक है सर? परसेंटेज मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है सर. एंड आल्सो बम्बू प्रोडक्शन किस क्वांटिटी में कहला जाता है वो मालूम होना चाहिए. ओके. सर्वाधिक है तो सेकंड पोजीशन में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है? हाँ सर. तुलना ही कर पाएंगे ना? हाँ सर. कितना प्रोडक्शन इधर है, इतना प्रोडक्शन इधर है, ये जानकारी रखना जरूरी. मैं करेक्ट कर पाऊँ? हाँ सर. तो फेमस हॉकी खिलाड़ी मध्य प्रदेश से संबंधित कोई? हाँ सर, अभी करंट में सर विवेक प्रताप सिंह है सर. विवेक प्रताप है जो नर्मदापुरम से बिलोंग करते हैं, वो सर हॉकी में नेशनल टीम में है सर. और सर इसके अलावा जो मतलब 1975 में जो रहे हैं, असलम शेर खान रहे हैं, अशोक कुमार रहे हैं जो मेजर ध्यानचंद जी के बेटे रहे हैं, और सर इसके पहले भी कैप्टन रूप सिंह रहे हैं, अतीफ अब्दुल लतीफ रहे हैं सर. ये सब मध्य प्रदेश से ही रहे हैं सर. और मेजर ध्यानचंद? सर मेजर ध्यानचंद जी सर यूपी से बिलोंग करते हैं सर. कहाँ से? सर एग्जैक्ट नहीं पता सर, लेकिन अंदाज़ा लगा सकता हूँ सर कि लखनऊ से रहे हैं सर. लखनऊ से? सॉरी सर. हाँ सर. गेस करना ही नहीं है. ओके सर. मध्य प्रदेश की हॉकी एकेडमी कहाँ है? सर मध्य प्रदेश भोपाल सर.
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बताना पड़ेगा वुमेन का और मेन का दोनों है, दो एकेडमी। हाँ सर, सर वुमेन का सर 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था सर, वो ग्वालियर में है सर, और मेन का भोपाल में है सर। ऐसा बताना। हाँ सर ठीक है। हाँ सर, दोनों एक जगह है तो। हाँ सर, वो भोपाल बोलने में हो जाएगा। ओके सर, दो अलग है। हाँ सर, स्पोर्ट्स का ध्यानचंद। ओके, हाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश में? सर मध्य प्रदेश में सर इसकी जानकारी नहीं है सर, लेकिन नेशनल लेवल पे अनुराग सिंह ठाकुर है सर। सर वो ओके सर, ठीक है। ओके सर, कौन है सर? जानकारी नहीं है सर। पूर्व में कौन था इस अभी जो पहले आज वर्तमान में मार दो उनके पहले बार सर? सॉरी सर, जानकारी नहीं सर। यस नवीन। हाँ सर, आपने भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है? यस सर। 2016 में? यस सर। कौन सा इंस्टीट्यूट है ये सर? आईएसटी सर, मानसरोवर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मानसरोवर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2016 में करने के बाद आप कहीं नौकरी वगैरह कुछ की? नहीं सर, जब मैं ग्रेजुएशन में था सर तभी मेरा इधर सिविल सर्विसेज में रुझान बढ़ा सर, उसके बाद मैंने सिर्फ तैयारी ही की है सर। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? सर मेनली रिलेटेड टू मशीन्स सर। मशीन्स? यस सर। मशीन क्या होती है? मशीन की डेफिनेशन कुछ, किसको मशीन कहते हैं? हाँ सर, इट इज़ इन assembly of interconnected components arranged to transform or modify force to perform a specific task. Very good. सबसे simple machine सर नाम बता सकते हैं? हाँ सर, इसमें छः आती है सर, मेनली छः आती है इसमें सर, मुझे फिलहाल एक ही का नाम पता है, एक्सेल। सिंपलेस्ट मशीन जो है वो आप देखो, एक डंडे को बीच में से आप परिक्रम कर दो, उसको बीच में उसको धुरी बना दो, तो आप वेट को इधर से उधर कर सकते हो, इधर वेट लगाओगे इधर, तो आपने फोर्स यहाँ लगाया, काम वर्क वहाँ हुआ, ये भी मशीन। हाँ सर। हाँ सर, सिंपल मशीन जो है उसमें इंटरनल कंबशन इंजन का नाम आपने सुना? हाँ सर। वो क्या होता है? सर इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ हीट इंजन सर, इन विच कम इग्निशन एंड कंबशन टेक्स प्लेस विद इन द इंजन इटसेल्फ सर। विद इन द पिस्टन इटसेल्फ, सिलेंडर इटसेल्फ। ओके सर। हाँ सर, और जहाँ सिलेंडर के बाहर कंबशन होता है वो कौन सा इंजन होता है? सर एक्सटर्नल कंबशन इंजन सर। उसका क्या एग्जाम्पल है? सर सॉरी सर, एग्जांपल एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वही सर कंफर्म नहीं हूँ सर। जो इंजन में पिस्टन्स, जो सिलेंडर होते हैं पिस्टन्स और सिलेंडर, हाँ सर, उनका उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दोस सर? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो हमारा आज का इंडस्ट्रियल आउटपुट, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट, हाँ सर, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितनी रफ्तार से हमारी टोटल इकोनॉमी बढ़ रही है। हाँ सर, जबकि एक रोबस्ट इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शंस बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। हाँ सर, क्या आप सोचते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिविल सेवा में आ रहा हो, ऐसे तमाम लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, वो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर लिटिल बिट सर, मे बी रीजन हो सकता है सर। आपने ये कहा था बालाघाट
सेक्स रेशो 1021 सो ऐसे चार जिले हैं जो सबसे अच्छा सेक्स रेशो है, बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर और डिंडोरी। तो क्या रीज़न है कि ये सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सेक्स रेशो बहुत अच्छा है और बाकी जिलों में बहुत कम है? मैम, ट्राइबल जो है यहाँ पर माना जाता है कि ट्राइबल में वुमन वर्शिपिंग, वुमन डोमिनेंस एंड मैम जेंडर इक्वलिटी मेनली पाया जाता है मैम। और मैम जो इकोनॉमी है वो मैम मेनली फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रीकल्चर इकोनॉमी। मैम एग्रीकल्चर में देखा जाता है कि वुमन का भी सेम पार्टिसिपेशन होता है मैम, इसीलिए उनको संरक्षण मिल जाता है मैम। तो इसी वजह से मेन जो है यहाँ पर जो है महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। महिलाओं को अर्निंग हैंड मानते हैं, महिलाओं को खर्चे का सामान नहीं मानते। हाँ मैम, हाँ हाँ सर। शादियों में भी महिलाओं को डाउरी मिलती है, महिलाओं के लिए डाउरी नहीं देनी होती है। और हाँ सर, तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ है जो महिलाओं को उस समाज में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिलाता है। हाँ सर, और वो ये सब प्रैक्टिस नहीं करते, इन्फेंटिसाइड है। हाँ, हाँ। इन्फेंटिसाइड नहीं होता है, खासकर गर्ल चाइल्ड को नहीं मारा जाता है। अब कुछ कुछ ट्राइबल्स में तो मैट्रियार्कल सिस्टम भी है। हाँ मैम, मदर को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के पावर प्रॉपर्टीज भी है उनके पास, इसलिए। हाँ मैम, है ना, ये सब। हाँ मैम, वही मैं कहना चाह रहा था कि फीमेल डोमिनेंस और फीमेल वर्शिपिंग भी होती है वहाँ पर। फीमेल वर्शिपिंग देखना पड़े तो अलग चीज मुझे लगता है, क्योंकि भाई देवी की पूजा तो कहीं भी होती है। हाँ सर, तो फीमेल वर्शिपिंग ऐसा कोई वर्ड मत बोलो। ओके सर। हाँ, फीमेल का, फीमेल आर डोमिनेंट पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ सर, काम करने में, फिजिकल लेबर करने में या अदरवाइज वो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अर्निंग करती हैं रादर देन जो मेल वर्कर्स। मेल वर्कर्स को दारू पीना है के लिए। हाँ सर, सही बात। ट्राइबल सोसाइटी में ज़्यादा मेल वर्कर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। बालाघाट में ज़्यादा डोमिनेंट ट्राइब कौन सा है? मैम गोंड मैम। उनके खासियत बताएंगे? खासियत में मैम जो उनका मैरिज सिस्टम है उसमें लमझेना जो है और दूध लोटवा ये फेमस है मैरिज में। और मैम जो उनकी सब ट्राइब्स है, अगारिया, प्रधान, ओझा, कोयला, भूतीस, यही है मैम। और मैम फिलहाल इतना ही याद आ पा रहा है। उनका कोई कल्चरली उनका ट्रेडिशंस, आइडेंटिफाइड ट्रेडिशंस मैम? इसके अलावा मैम सर कल्चर में सर बैगा का जो है मेन फेमस, जो बैगा ओलंपिक होता है बालाघाट में। बैगा अलग है। हाँ सर, गोंड की बात कर सर, गोंड का एक्चुअल में गोंड समाज में कुछ कल्चरली अलग चीज़ें हैं क्या? कुछ स्पेशल तो होगा कुछ उनको आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड। कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं लोग? सॉरी मैम, फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप कौन से ट्राइब को बिलोंग करते हो? मैम मैं अनुसूचित जाति में आता हूँ। एससी कैटेगरी। हाँ मैम, ठीक है। अभी एक नया फिल्म आई है जो एटम बॉम्ब का जो आविष्कार किया है उनके बारे में, आपने सुना है? हाँ मैम। कौन सा मूवी है? ओपन हैमर। ओपन हाइमर। उनके बारे में बताएंगे कौन है ये? मैम इसका जो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एटम बम है इन्हीं का इन्वेंशन है। मे बी मैम जस्ट पढ़ा नहीं है, जस्ट आइडिया ही है कि देखा नहीं? नहीं सर, पिक्चर में देखा सर, अभी तो फिलहाल जस्ट तैयारी में लगा हुआ। हाँ, फिल्म देखना भी तैयारी सर, अभी बस तो रखा है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट था एक। हाँ सर, जिसमें कि ये एटम बॉम्ब बनाने का काम किया गया था। ये ला एल्मोस एक लेबोरेटरी है जो आज भी लेबोरेटरी है, बहुत मतलब उनके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की वो सबसे पहली लेबोरेटरी थी।
उस लेबोरेटरी की स्थापना से लेकर वो पूरा काम ओपनहाइमर ने किया। हाँ सर, अच्छा पढ़ लो इसके बारे में। हाँ सर, अच्छा ओके। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि हॉकी एक बार हम एक समय में हम लोग चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, तो धीरे धीरे करके उसका डिटेरियरेशन क्यों हुआ है उस गेम का? ये हमारा नेशनल गेम भी है। हाँ मैम, एक्चुअल में जस्ट करेक्ट करना चाहूँगा कि मैम आरटीआई के अकॉर्डिंग ये नेशनल गेम नहीं माना जाता है। और मैम जो डिटोरिएशन जो है मेन रीज़न आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, मैम उसके अकॉर्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन में आपने पूछा ये क्वेश्चन? नहीं मैम, राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मतलब जो है नेशनल गेम जो है इसमें शो क्या है हमारा नेशनल गेम? बेसिक क्वेश्चन मैडम ने क्या पूछा सर, क्यों ये इतना डिटेरियरेट क्यों हो गया सर? तो व्हाई डू यू टॉक अबाउट वेदर इट इज नेशनल गेम है या नहीं है कुछ भी? ओके, इररिलेवेंट हो जाता है। ओके सर, स्ट्रेट क्वेश्चन 1 2 3 पॉइंट्स बस बताओ सीधा सर। जैसे एज कंपेयर टू अगर कंपैरिजन किया जाए क्रिकेट से, तो मैम जैसे फंड जो मिलते हैं क्रिकेट्स को, मैम हॉकी को नहीं मिले जाते। और मैम जैसे बहुत सारे जो फंड के अलावा जो एक और रीज़न है कि मैम जो स्कीम्स है जो हॉकी के प्रमोट करने के लिए वो भी कम ही है। अगेन यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हॉकी के उतने नहीं। सवाल तो मैडम ये पूछ रहा है, पहले हॉकी में हम शीर्ष में अग्रस्थान में थे, अभी इतना डाउन क्यों हो गया? उसकी आपका टेक्निकली इंफ्रास्ट्रक्चरली ट्रेनिंग कॉम्पोनेंट मॉनिटरी बेनिफिट ये बताना। हाँ सर, हम पहले ट्रेडिशनल हॉकी खेलते थे, जब यूरोपियन हॉकी आई तो उसमें एस्ट्रोटर्फ और ये जब हॉकी आई तो ये इसमें हम हमारे पास जो कि संसाधन नहीं थे, सो हम उसके मैच नहीं कर पा रहे। नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया तो पूरा डोमिनेट कर देते हैं। तो इनको मतलब इस तरह से अगर आप पैसे की बात करते हो तो ये मत बोलो कि पैसा क्रिकेट में ज़्यादा है हॉकी में कम है, इसलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, खिलाड़ियों को जो सहायता मिलनी है उनको जो ट्रेनिंग दी जानी है उसके स्टैंडर्ड की हम बात करें, सब में पैसा लगता है। बट एग्जैक्टली आप ऐसे क्वाइन नहीं करो कि उसको पैसा कम है और ज़्यादा है। ठीक है, और बोलने के हम लोग वैसे आपको डीब्रीफ करेंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।